वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता लगातार भाजपा में एंट्री ले रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इस विषय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि बहुत जल्द ही कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कई नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नीति और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। वही कांग्रेस द्वारा राशन वितरण बंद होने पर आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है। प्रदेश में लगातार राशन का वितरण किया जा रहा है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। लगातार हम लोगों के पास ऐसा संदेशा आ रहा है, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कितने बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कांग्रेस अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर है और वही काम कर रहे हैं। इनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास नेतृत्व है। आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है तो सिवाय अफवाह फैलाने की, झूठ बोलने के इनके पास कोई विषय नहीं है।